पक्षियों को देखा होगा, वो अपने झुंड के साथ रहती हैं। पक्षी रहती है ना, पक्षियां, बगुला का झुंड बगुला के साथ रहता है, कौआ का झुंड कौआ के साथ रहता है, बकरी का झुंड बकरी के साथ रहता है, भैंस का झुंड भैंस के साथ रहता है, मुर्गी का झुंड मुर्गी के साथ रहता है कि नहीं रहता। तो हम लोगों ने भी सोचा कि ये जब अपने अपने समूह ही अपने अपने संगठन के साथ रहते हैं, रंग दिया गया है झंडा में, ठीक है। अब गुरु कुपार बाबा ने इस प्रकार से बताया और गोत्र का निर्माण करवाया। अब बाबा कुपार 33 करोड़ बच्चों को प्रकृति के बारे में बता रहा है कि बोले बेटा हम सबको प्रकृति के नियमों से चलना है, नियमों का पालन करना है और प्रकृति से ही हमको सब कुछ सीखना है, प्रकृति ही हमारा गुरु है। तो आज भी हम गोंड लोगों ने जो कुछ भी सीखा है तो प्रकृति से सीखा है। कैसे सीखा है? जैसे आज प्रकृति का नियम है, जो प्रकृति धरती है वो जब परिक्रमा करती है सूर्य की तो दाएं से बाएं परिक्रमा करती है, ठीक है ना? स्कूलों में पढ़ा होगा भूगोल में। इसलिए आज भी हमारी जो महिलाएं हैं, चाहे कोई भी समाज की महिला हो, सब प्रकृति के नियमों का पालन करती है। इसलिए आज भी चकिया जब घुमाती हैं तो दाएं से बाएं घुमाती हैं, घुमाती हैं कि नहीं घुमाती, और दाएं से बाएं चकिया घुमाती हैं तो आटा अच्छा गिरेगा, और अगर उल्टा घुमाओगी प्रकृति का उल्लंघन करके घुमाओगी तो आटा कम गिरेगा। हमारे लोग जब खरियान से अनाज निकालते थे, पहले बैल चलाते थे ना, तो बैल जब चलते थे तो वो भी दाएं से बाएं चलते थे, सभी समाज के लोग चलाते थे। और हमारे भूमका बेगा लोग जब विवाह करवाते हैं तो जो दूल्हा दुल्हन होते हैं, जो सात भावरा पाड़ते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो वो भी दाएं से बाएं पड़ता है हमारे में परिक्रमा, उल्टा मत करना। खेती किसानी करते थे, जब हल बखर चलाते थे तो बैल भी खेत के आसपास गोल गोल चलते थे। आज भी मंडला जिला में इसी प्रकार से किसानी किया जाता है। लेकिन कुछ लोग आए हमारे बीच में, एससी एसटी ओबीसी के बीच में, और उन लोगों ने हमको पूरा काम में उल्टा बता दिया, ऐसी ऐसी बात बता बता के हमको उल्टा घूमना प्रारंभ कर दिया। आज भी कुछ लोग गोंड उल्टे घूम रहे हैं, घूम रहे ना, जबकि हम प्रकृति का पालन करने वाले हैं, उल्लंघन करने वाले नहीं हैं। और हमने जानवर पशु पक्षियों के को देख करके समूह में रहना सीखा है, गांव बसा के रहना, एक साथ रहना। वो कैसे? जैसे आपने कुछ पक्षियों को देखा होगा, वो अपने झुंड के साथ रहती हैं, पक्षी रहती है ना, पक्षियां, बगुला का झुंड बगुला के साथ रहता है, कौआ का झुंड कौआ के साथ रहता है, बकरी का झुंड बकरी के साथ रहता है, भैंस का झुंड भैंस के साथ रहता है, मुर्गी का झुंड मुर्गी के साथ रहता है कि नहीं रहता। तो हम लोगों ने भी सोचा कि ये जब अपने अपने समूह ही अपने अपने संगठन के साथ रहते हैं तो हम लोगों ने भी उनसे सीखा तो हम भी अपना समूह बना के रहने लगे, रहते हैं कि नहीं। लेकिन आज के गोंड लोग भटक गए, भटक गए कि नहीं, हमारे गोंड लोग खुद का समूह छोड़ के, मतलब बगला बगला का छोड़ के समूह छोड़ के कौआ में जाके घुस गया, बकरी बकरी का झुंड छोड़ के भैंसों में घुसेगी तो वो तो पिटेगी का नहीं पिटेगी, मार खाएगी का नहीं खाएगी। तो मेरे भाई, हम प्रकृति को देख के सीखा था तो हम लोगों को चाहिए कि जब प्रकृति में सभी जीव अपने समूह में रहते हैं, अपना संगठन में रहते हैं, तो आप लोग भी अपने समूह में रहिए, नहीं तो ऐसा समय आएगा जो समूह को छोड़ के भागेगा वो तो पिटेगा ही, पिटेगा ना, मार खाएगा हर जगह। ये समय आने वाला है, लिख के रख लो। अगर हमारा संगठन मजबूत नहीं हुआ, हमारा समूह मजबूत नहीं हुआ, तो हम लोग ये इसी प्रकार से इधर से मारेंगे तो उधर जाएंगे, उधर से मारेंगे तो इधर आएंगे। जैसे वो फुटबॉल में गेंद होती है ना, इधर से दो तो उधर, उधर से लात दो तो इधर, ऐसा ही हाल होगा। इसलिए अभी समय है। तो कुपार बाबा ने बच्चों को बताया कि प्रकृति के कुछ जीव जंतुओं को देख के नियम देख को ही हमको सीख लेना है, और सब मिलके बोले बेटा प्रकृति की सेवा करना है, धरती जलवायु अग्नि और आकाश की, इनकी सेवा करने से समस्त जीव प्राणियों का भला होगा, होगा कि नहीं,
खेती किसानी करना, पेड़ पौधा लगाना। जब खेती किसानी करोगे, धरती की सेवा करोगे, तो अन्न पैदा होगा। उस अन्न को आप लोग भी खाना, दूसरों को भी खिलाना, और जंगल में रहने वाले पशु पक्षी भी उसको खाएंगे। पेड़ पौधा लगाओगे तो उसकी छाया में तुम भी रहोगे, पशु पक्षी भी रहेंगे, और फलेगा तो उसका फल तुम भी खाओगे, पशु पक्षी भी खाएंगे, और उससे जो ऑक्सीजन मिलेगा तो तुमको भी मिलेगा और समस्त जीव प्राणियों को भी ऑक्सीजन मिलेगा। मिलेगा कि नहीं पेड़ पौधों से? तो प्रकृति की सेवा करने से ही समस्त जीव जंतुओं का कल्याण होता है बेटा। तो बोले तुम प्रकृति की सेवा करना, जल की सेवा करना, कुआं बनाना, तालाब बनाना, जल की रक्षा करना, वायु की सेवा करना, बोले पेड़ पौधा लगाना, वायु प्रदूषण से बचाना। इस प्रकार से बाबा कुपार ने प्रकृति के बारे में बताया, और समय समय पे प्रकृति का सुमरण ध्यान भी करना। सुमरण करने से तुम्हारी जो मन है उसकी शुद्धिकरण होती है। होती है कि नहीं? सुमरण से हम लोग जब सुमरण करते हैं, 10-5 मिनट जो ध्यान करते हैं, उससे हमारा जो मन है वो एकांत होता है। जो तितर बितर होते हैं ना, ये कर लेता वो कर लेता, जिसका मन नहीं लगता, तो वो सुमरण करे 5-10 मिनट तो उसका मन एकांत होता है। होता है कि नहीं होता? इसलिए कहते थे ना कि सुमरण करने से मन पवित्र होता है, और स्नान करने से हमारा तन पवित्र होता है। ठीक है ना? और तन अपवित्र हो जाए तो फिर बीमार हो जाएंगे हम, आलस से आएगी, काम करने की इच्छा नहीं होगी। और मन अपवित्र हो जाए तो मन नहीं लगेगा, तितर बितर चंचलतापन आएगी। इसलिए कहा है नहाने से तन पवित्र होता है, और सुमरण करने से मन पवित्र होता है, और हमारे रिश्तेदार, हमारे भूमिका गुरु या हमारे गुरुओं को नेंग के रूप में कुछ राशि देने से उससे हमारा धन पवित्र होता है। लेकिन हमारे लोग कहीं भला दे देते हैं ना, कहाँ देना है कहाँ नहीं देना वो नहीं जानते, क्योंकि हमारा धन अपवित्र जब होता है तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, संतान है, वो गलत मार्ग पर चलने लगती है। इसलिए धन भी हमारा सही कमाया हुआ होना चाहिए। ठीक है ना? चोरी करके कमाओगे और बच्चों को खिलाओगे तो तुम्हारे बच्चे चोर चंडाल निकलेंगे। इसलिए सारी चीज ईमानदारी से करना चाहिए। तो कुपार बाबा ने बताया, बोले सुमरण करना बेटा समय समय पे प्रकृति का। हमारे भूमिका करते थे ना धरती का सुमरण, मैंने बताया था ना, गोंडी में बोलते थे, ओ मावा तोरी ते सिरजे जीवा जाई, कंच मंच सिरडे सिंगार नारूंगे माई, नरो खंड धरते अरो खंड पृथ्वी उंडे आकाश पति रुधराना। ऐसा करके सुमरते थे, जोहार जोहार धरती दाई, काली धरती, पीली धरती, लाल धरती, ऐसा करके बोलते थे कि नहीं? सुमरते थे। तो बोले बेटा प्रकृति को सुमरना, और बोले प्रकृति का सबसे बड़ा मंत्र है, ये मंत्र से तो पूरी प्रकृति का सुमरण हो जाता है। वो मंत्र मैंने पहले ही दिन बता दिया था, एक बार और बता दूं, प्रकृति का सबसे बड़ा मंत्र है वो है गोंडी धर्म मंत्र, जय सेवा और जय गोंडवाना जय बड़ा देवा। मतलब जय सेवा, जय बड़ा देव और जय गोंडवाना, ये बोलने से प्रकृति का सुमरण हो जाता है। कैसे? जय सेवा का मतलब होता है ये दुनिया जो चलती है दो शक्ति से चलती है। दो शक्ति वो कौन सी? धन और ऋण। हर पेड़ पौधा, हर जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी में, हर जीव प्राणी में नर और मादा शक्ति होती है। होती है कि नहीं? जब तक नर मादा शक्ति नहीं होगी तो कोई भी जीवों का जन्म नहीं होता। तो दुनिया दो चीज से चलती है, धन और ऋण। हमारा भी जन्म हुआ तो धन ऋण मतलब माता पिता से। पेड़ पौधाओं में भी नर मादा जाति होती है, प्रजाति होती है कि नहीं? जातियां पशु पक्षियों में भी होती हैं। तो बोले ये दो शक्ति सबसे बड़ी है, सल्ला और गांगरा जिसको बोलते हैं हम गोंडी में, सल्ला गांगरा। तो जब हम बोले जय सेवा बोलते हैं तो हमारी धन ऋण शक्ति का सुमरण होता है। जय सेवा शब्द से किसका सुमरण होता है? धन और ऋण शक्ति का गुणगान हो जाता है। तो हमारा जन्म माता पिता से हुआ है तो हमको अपने माता पिता का सुमरण पहले करना चाहिए। दूसरा है जय बड़ा देव। जय बड़ा देव जब बोलते हैं तो पांच देवताओं का सुमरण होता है एक साथ। पांच देवता कौन? धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये सबसे बड़े हैं तो इनको हमने बड़ा देव कहा है। इनसे बड़ा कोई नहीं है तो इनको हम बड़ा देव के रूप में मानते हैं।
ये पांच देवताओं को शंभु बाबा भी मानता था। शंभु ने भी पांच देवताओं की साधना किया था, योग साधना। योग साधना से बाबा शंभु की कुंडली जागरण हो गई थी। बाबा शंभु तीन कालों की बात को जानने लगा, त्रिकालदर्शी हो गया था। तो जय बड़ादेव कहेंगे तो किसका स्मरण होगा? पांच देवताओं का, ठीक है ना। जय शिवा में धनरण शक्ति समाहित हो गई, जय बड़ादेव में पांच देवता समाहित हो गए, पांच तत्व जिनसे जगत बना है। और आखिरी में है जय गोंडवाना। जय गोंडवाना जब बोलते हैं तो भारत सहित चार देशों के भी जयकारा होती है। भारत, देखो भारत, अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, ये पांच हो गए ना। जय गोंडवाना बोलते हैं तो पांच देशों का जयकारा होता सुमरन। और पांच खंड धरती को ही हम गोंडवाना बोलते हैं। गोंडवाना मतलब पांच समूह का एक गंडा। और जय भारत बोलेंगे तो सिर्फ भारत अकेले का सुमरन होगा। और जय गोंडवाना बोलेंगे तो पांच खंडों का जयकारा होगा कि नहीं, तो बताइए। पांच खंड धरती भी इसमें समा गई, पांच देवता भी समा गए और धनरण शक्ति भी समा गई, तो बताइए मंत्र से बड़ा है कोई? अब 33 बच्चे कहने लगे, बोले गुरुजी ये अपने मंत्र तो बता दिया लेकिन इसके विधि विधान भी तो होंगे सुमरण करने का। समय समय पे हमको सुमरण करने के लिए कोई विधान बता दो जिसके माध्यम से हमारी संस्कृति जीवित रहे, बची रहे। और हम समय समय पे पूजा पाठ सुमरण ध्यान नहीं करेंगे तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी ना।